मैं विश्वासी हूँ, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला वो है। मैंने प्रतिज्ञा नहीं की, प्रभु जो झूठ नहीं बोलता उसने प्रतिज्ञा की है। वो सर्वसामर्थी परमेश्वर, उसके लिए कुछ असंभव नहीं है। उसने प्रतिज्ञा की है, वो इसे पूरा करेगा। काम करना उसका काम है, विश्वास करना मेरा काम है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17 रहा, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। यानी पौलुस नए जन पाए विश्वासी के बारे में कह रहा है, विश्वासी जो उद्धार पाया है यीशु मसीह पर विश्वास से। वो कहता है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। अब ये नई सृष्टि बहुत तरीके से, बहुत से अनुवाद में कहा गया है। एक कहता है कि वो नए तरह का व्यक्ति है, वो बहुत अच्छा है। इसका अर्थ है कि वो नए तरह का व्यक्ति है, वो तो नया व्यक्ति है, नए तरह का व्यक्ति। यदि कोई मसीह में है तो वो नए वंश का है, एक अनुवाद कहता है। इस तरह बहुत से लोगों ने सही अर्थ बताने की कोशिश की। मुझे एक बहुत पसंद है जिसका अनुवाद वो कहते हैं, वो नए तरह का जीव है। अब ये सबसे अच्छे तरह से बताया गया, यदि कोई मसीह में है तो वो बिल्कुल नया जीव है, जिसका अर्थ है कुछ भी इसके पहले ऐसे अस्तित्व में नहीं था। किसके जैसे? मसीह में मनुष्य के जैसे। इफिसियों 2:10 कहता है कि हम मसीह में बनाए गए हैं,
हमारा उद्धार उसी तरह बताया गया है कि जब आप यीशु मसीह में अपना विश्वास रखते हैं, नया जन्म पाते हैं, आप मसीह यीशु में बनाए गए हैं, आप मसीह यीशु में बनाए जाते हैं, अब आप आए और नए रूप में जन्म लिए, नए तरह के जीव के रूप में, नए तरह के व्यक्ति में, नए तरह के जीव में, आप उस नए तरह के व्यक्ति हैं जो पहले कभी भी अस्तित्व में नहीं था, कभी भी। क्या आप विश्वास करेंगे? सब लोग कहें, मैं नए तरह का व्यक्ति हूं, नए जीव का हूं, मैं पहले कभी अस्तित्व में नहीं था। वो सच्चे विश्वासी का विवरण है। ये केवल साधारण विश्वासी का विवरण नहीं है, ये पौलुस का सही विवरण है, नया जन्म पाए विश्वासी का, जो यीशु मसीह में जन्मा है या मसीह यीशु में बनाया गया है। ये विश्वास करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जानते हैं, यदि हम सही महसूस करें तो हम सही विश्वास करेंगे और हम यही पाएंगे। यदि आप खुद के बारे में सही सोचते नहीं हैं, तो आप खुद के बारे में गलत चीजों पर विश्वास करेंगे और फिर आप उसे नहीं पा सकते जो प्रभु ने आपके लिए रखा है। प्रभु ने आपके लिए जो रखा है वो बहुत ऊंचाई पर है, लेकिन हमें अपनी सोच बदलनी होगी कि हम अपना विश्वास बदल सके। तो जो हम जो पाते हैं, जो हो जाते हैं, उसे बदल देते हैं। देखिए, इसराइलियों में यही समस्या थी। वो प्रतिज्ञा के देश में क्यों नहीं जा सके जो प्रतिज्ञा की गई उन्हें दी गई थी। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें ये देश देता हूं। उसने ये नहीं कहा, मैं तुम्हें दूंगा जब तुम वहां जाओगे, नहीं। उसने कहा, जहां तक कि मेरी बात है, मैंने तुम्हें दे दिया है, मेरे किताब के खाते में लिखा है कि ये तुम्हारा हो गया है। मेरी किताब कहती कि ये तुम्हारा, मैंने तुम्हें दे दिया है, बाइबल में लिखा है, मेरे पास समय नहीं कि इसे देखे। प्रभु कहता है, मैंने तुम्हें ये दे दिया है, ये हो चुका है, जहां तक कि प्रभु की बात है। फिर भी ये एक पीढ़ी प्रतिज्ञा के देश में नहीं गई, दूध और मधु के देश में नहीं गई। क्यों? क्योंकि वो उस चर्च में गए थे जो कहता है धूल है, कीड़े हैं और कुछ नहीं है। क्योंकि जब उन्होंने जाकर प्रतिज्ञा के देश को देखा, तो उन्होंने दानव देखे और उन्होंने खुद को देखा और कहा, वो दानव हैं, हम टिड्डियां हैं। टिड्डियां, बस यही उन्होंने कहा कि हम टिड्डियां हैं, केवल हमारी दृष्टि में नहीं, उनकी दृष्टि में भी। अब इसे पागलपन कहते हैं। वो अब जानते हैं कि क्या सोच रहे हैं, उनकी दृष्टि में भी हम टिड्डी जैसे हैं। बहुत आधुनिक सोच है, हार की सोच। लेकिन प्रभु ने कहा कि ये तुम्हारा है। प्रभु जो कहता उसके बारे में क्या? प्रभु ने जो कहा वो मायने नहीं रखता। उन्होंने जो देखा उनके लिए मायने रखता था। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, उन्होंने जो देखा उसी ने उन्हें पकड़ा, उन्होंने जो देखा उसने उन्हें हराया। वो प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश क्यों नहीं कर पाए? ये इसलिए नहीं कि परमेश्वर उन्हें भूल गया था, ये इसलिए नहीं कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा भूल गया, ये इसलिए नहीं कि परमेश्वर अपनी सामर्थ दिखाने में असफल रहा, ये इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने उनसे नफरत की, पसंद नहीं किया। नहीं, वो प्रतिज्ञा के देश में क्यों प्रवेश नहीं कर पाए? प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें ये दे दिया है। वो प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने से चूक गए, इसलिए नहीं कि प्रभु भूल गया था, इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने गलती की, वो असफल हुए उनकी गलत सोच के कारण ही, जो इस हार के विचार पर आधारित थी कि मैं कुछ नहीं हूं और मेरे शत्रु कुछ हैं। और परमेश्वर ने जो कहा था कि उसके बावजूद उन्होंने जो देखा उसी पर विश्वास किया, प्रभु की बात पर नहीं। यदि वो केवल विश्वास करते जो प्रभु ने कहा, तो वो सारे दानव कुछ भी नहीं होते। प्रभु के लिए एक दानव या हजार दानव एक जैसे है। दाऊद ने एक दानव को मारा, गोलियत को, एक छोटे पत्थर से। 10,000 दानव को मारना भी ऐसे ही होता। एक भाई ने पूछा, यीशु ने 5,000 लोगों को भोजन दिया, 5 रोटी और 2 मछली से, और यदि वहां 50,000 लोग होते तो क्या? जैसे हुआ है, यदि वो 5,000 को दे सकता है तो 50,000 को भी दे सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं है। सच में जब उसने 5,000 को भोजन दिया तो 12 टोकरी बची और 4,000 को देने के बाद कम बची। ऐसे लगता है कि ज्यादा को खिलाना उसके लिए आसान है। देखिए, सोच की समस्या है। हम गिनती करते हैं, जैसे मैंने उस दिन कहा, मूसा ने कहा, मैं इतने लोगों के लिए बटन कहां से लाऊंगा, किस रोड से? यदि मैं समुद्र की सारी मछलियां पकड़ लूं, इन्हीं शब्दों में कहा, यदि मैं सारी मछलियां पकड़ लूं तो इन लोगों के लिए काफी नहीं होगा, क्योंकि ये 6 लाख व्यस्क पुरुष हैं जो इसे खाएंगे। और फिर सबको जोड़ा तो लगभग 20 लाख लोग हो गए। इससे महीना भर मटन कैसे खिलाऊंगा मैं? और परमेश्वर ने कहा, तुम देखो क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है। उसने कहा, क्या परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया?
और फिर क्या हुआ? क्या हुआ? परमेश्वर ने एक पल में हवा बदली कि इस तरह बहने लगे, और उसने सारे बटेर को लाया जो समुन्द्र में थे इस तरफ, और उन्हें खेमे में लाया, और उनके पास हजारों 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 में थे, और वो सबको उठा नहीं पाए, इतना ज्यादा उन्हें मिला। प्रभु अद्भुत परमेश्वर है, हमारी सोच ही समस्या है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप जो देखते उसे न देखे, परमेश्वर ने जो कहा उसे देखे, क्योंकि वो आपको आगे ले जाएगा, विजय देगा। यही परमेश्वर जैसे विश्वास का भेद है। परमेश्वर जैसे विश्वास परिस्थिति को नहीं देखता, वो उसे देखता है जो परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि जो परमेश्वर ने कहा है उसने संसार को बनाया। परमेश्वर ने जो कहा है वो वास्तविकता में हो गया, उससे भी ज्यादा जो संसार में है, शारीरिक वास्तविकता में, क्योंकि सारी शारीरिक वास्तविकता अस्तित्व में आई आत्मिक वास्तविकता और सामर्थ्य से। इसी अध्याय में दूसरा कुरिन्थियों 5:17 हमने पढ़ा, जहां ये कहता है कि हम नई सृष्टि है, नए जीव है। ठीक है, हमारे बारे में क्या नया है? वचन 7, आप थोड़ा पीछे जाएं, वचन 7 पढ़िए। ये कहता है कि हम विश्वास से चलते हैं, दृष्टि से नहीं। इस जीव के बारे में यही तो नई बात है। ये अलग तरह के जीव हैं, क्योंकि इस तरह का जीवन विश्वास से चलता है, दृष्टि से नहीं। दृष्टि से नहीं, लेकिन विश्वास से। विश्वास से चलना और दृष्टि से चलने में फर्क है। विश्वास से चलना तो शाश्वती में चलना है, भरोसे और निश्चितता में चलना, वो टाइटल डीड, आपके दिल में वो सबूत जो प्रभु ने कहा है वो आपका है। स्मिथ विगल्सवर्थ, प्रभु के महान दास, ने कहा, यदि परमेश्वर ने कहा है तो वो पूरा हो गया। ये इसे कहने का अद्भुत तरीका है। इसे संक्षिप्त में कहा, यदि प्रभु ने कहा तो ये पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि प्रभु ने कहा वो मेरे लिए काफी है, मुझे इसके बारे में और कुछ नहीं चाहिए। यदि प्रभु ने कहा तो ये पूरा हो चुका है। क्या आप इस तरह सोचते हैं? यदि प्रभु ने इसे कहा है तो क्या ये आपके लिए काफी है, या आपको और कुछ चाहिए? शाश्वती के रूप में आपको कुछ देखना है, आपको कुछ महसूस करना है, और आपको कुछ और सबूत लेने हैं कि आप विश्वास कर सके। बाइबल कहती है कि अब्राहम ने विश्वास किया जब शारीरिक रूप में कोई सबूत नहीं थे कि विश्वास कर सके कि उसे संतान होगी, लेकिन अब्राहम ने विश्वास किया। निराशा में भी विश्वास किया, बाइबल कहती है उसने विश्वास किया। अब परमेश्वर के लोगों के बारे में एक खास बात है, वो विश्वास से काम करते हैं, वो विश्वास से जीते हैं, वो दृष्टि से नहीं, विश्वास से जीते हैं। विश्वास से जीना क्या करता है? उदाहरण के लिए याकूब को ही देखिए, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, यह दिखाया कि सब उसके सामने झुक जाएंगे। ठीक है, सब उसके सामने झुक जाएंगे, प्रभु ने यही दिखाया, यह उसकी मंजिल थी। वो कई महान व्यक्ति होने वाला था कि उसके सामने सब झुक जाएंगे। उसे जाकर अपने भाइयों को बताया, आप सारी कहानी जानते हैं, उन्होंने उसे गड्ढे में डाल दिया, जलन रखी, उसे बेच दिया, और फिर वो जाकर उस घर में रहता है, पोतीफर के घर में। उस पर गलत दोष लगाया जाता है, उसे जेल में फेंका जाता है। लेकिन यदि आप देखें, यदि आप इसकी कहानी पढ़े, पूरी कहानी में आप देखेंगे कि वो जहां भी गया ऊंचाई पर था, वो जहां भी गया उत्तम होता गया। वो ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो जाकर कोने में बस परिस्थिति के बारे में रोता रहे। यदि यही किसी और के साथ होता तो हमने क्या किया होता, कि किसी कोने में जाकर बैठ जाते और केवल 4 घंटे तो रोते ही रहते, रोना खत्म नहीं होता। वो कहते, भाई मैंने अब तक ब्रश भी नहीं किया है, मुझे भूख भी नहीं लग रही है, मुझे कुछ करना महसूस नहीं हो रहा, मुझे उठना नहीं लग रहा है, मुझे कोई प्रेरणा महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, इस बहन ने ये किया, उस भाई ने वो किया, इसने मुझ पर दोष लगाया, उन्होंने मेरे साथ गलत किया, मेरे भाई ने मेरे साथ ये किया। इस पर हम गौर करते हैं कि क्या हुआ, इस पर गौर नहीं करते कि प्रभु ने क्या कहा है। यूसुफ इतना ज्यादा प्रोत्साहित क्यों हुआ था? मतलब सफल होने के लिए वह ऐसा व्यक्ति होगा जो हर दिन सुबह उठकर जाकर मेहनत करता होगा, और उसके पास इन नकारात्मक बातों को सोचने के लिए कोई समय नहीं होगा। उसने अपने काम में अपना दिल और मन लगाया, उसने यही किया होगा, क्योंकि इसी तरह से आप अपने काम में बढ़ते चले जाते हैं। उसने अपना दिल और मन उसमें लगाया होगा, और उस पर प्रभु की कृपा थी, प्रभु की आशीष, उसने उसे ऊंचाई पर उठाया। वो इतना प्रोत्साहित क्यों हुआ था? मैं आपको बताऊं क्यों? क्योंकि प्रतिदिन वो बैठकर ये नहीं सोचता था कि उसके भाइयों ने क्या किया, दूसरों ने क्या किया, और कैसे उसके साथ बुरा किया गया है। बार बार हुआ, हर दिन वो यही सोचता था जो परमेश्वर ने उसे दिखाया है और जो प्रभु ने उसे दिखाया था। देखिए, उन दिनों में बाइबल नहीं थी,
वो किसी चर्च में नहीं जा सकता था और विश्वास में बढ़ नहीं सकता था और ये सब, तो परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। उसके पास केवल केवल वो दर्शन ही था। उसने उसके जीवन पर प्रभाव डाला और मैं विश्वास करता हूं कि प्रतिदिन उसने वो दर्शन अपनी आंखों के सामने लाया, अपनी आंखों के सामने चलाया और उज्जवल भविष्य देखा जो उसके पास था परमेश्वर और परमेश्वर की कृपा से। हर दिन वो उसे देखता था। अब चलिए मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, क्यों ना हम अपने उज्जवल भविष्य को देखें परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर का वचन आपके महिमा में भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करता है। परमेश्वर का वचन आपकी भलाई के लिए भविष्यवाणी करता है, आत्मा प्राण और शरीर और आपके हाथों के कामों में, आपके परिवार के जीवन में, हर तरह से आपको क्या होना चाहिए और आप मसीह यीशु में और उसके द्वारा क्या हो सकते हैं। जब परमेश्वर की आशीष की कृपा आप पर होती है तो आप कैसे होगे, बाइबल इसी के बारे में है। बाइबल तो ऐसी किताब है जो बताती है कि हमें ये दे दिया गया है यहां लिखकर। हम ये चित्र हमारे सामने क्यों नहीं लाते हैं, ये वचन जो चित्र है, हम प्रतिदिन हमारे सामने चित्र क्यों नहीं रखते, हम इसे क्यों नहीं देखते हैं। समस्या ये है, विश्वास में हमेशा युद्ध होता है, दृश्य और अदृश्य में। देखिए, आप देख रहे हैं शायद बीमारी, लेकिन आप चंगाई के लिए विश्वास कर रहे हैं। आप बेरोजगारी देख रहे हैं लेकिन नौकरी के लिए विश्वास कर रहे हैं। आप ये सच्चाई देख रहे हैं कि आपके पास घर नहीं है और आप घर खरीदने के लिए विश्वास कर रहे हैं। ठीक है, आप जो देखते हैं कई बार वो तो आप जो विश्वास करते हैं उसके विरुद्ध में होता है। अब ये युद्ध भूमि है, यहीं पर युद्ध होता है। आप जो देखते हैं उसे चुनेंगे या आप उसे चुनेंगे जिसे नहीं देख सकते लेकिन प्रभु का वचन प्रतिज्ञा करता है। आप इससे कैसे निपटेंगे, मेरे साथ निकाले पहला तीमोथी अध्याय 6। पहला तीमोथी अध्याय 6 और चलिए मैं वचन 12 पढ़ता हूं। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। सब लोग कहे लड़े, विश्वास की अच्छी कुश्ती। अब जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो रुक कर थोड़ा सोचना चाहिए। ये कहता लड़ो और फिर कहता अच्छी कुश्ती। क्या आपने कभी सोचा? मैंने सोचा सारी लड़ाई बुरी लड़ाई होती है, लड़ने की जरूरत क्या है, ये तो बुरी बात है। लेकिन ये कहता है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। ये हमें कुंजी देता है कि समझ सके कि क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं मैं विश्वास की कुश्ती लड़ता हूं। कई बार मैं सोचता हूं कि क्या वो विश्वास की कुश्ती क्या समझते हैं क्या। ये कहता है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। ये अच्छी लड़ाई क्यों है? सबसे पहले ये विश्वास की लड़ाई है। सब लोग कह विश्वास की लड़ाई है, ये वो लड़ाई नहीं जो दूसरे प्रचारक के साथ या किसी और चर्च या डिनोमिनेशन के साथ या ऐसी कोई बात नहीं, ये तो मूर्खता की लड़ाई है। वो मूर्खता की लड़ाई है। यहां विश्वास की लड़ाई के बारे में कहता है। बाइबल कहती कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़े। अच्छी कुश्ती तो विश्वास की कुश्ती है। विश्वास की कुश्ती, सब लोग कह विश्वास की कुश्ती, अपने मन में से ले, ये विश्वास की कुश्ती है और ये अच्छी कुश्ती है। अब इसे अच्छी कुश्ती क्यों कहा गया है? आप कुश्ती को कैसे अच्छी कह सकते? अब यदि क्रिकेट मैच चल रहा है, कोई सीरीज अब चल रही है, मुझे इसके बारे में पता नहीं, लेकिन मैंने ध्यान दिया, जब भी हम हारते हैं तो वो बुरा गेम है। हाँ, हम हार गए, वो रेफरी अच्छे नहीं थे, वो खिलाड़ी जो टीम में खेल रहे थे वो अच्छे नहीं खेले, वो सड़े हुए हैं, उन्होंने ये किया। जब भी हम हारते हैं हमेशा पसंद नहीं होता है। मतलब जो भी आपने कहा शायद वो सत्य हो, यानी हमें हारना पसंद नहीं है, इसलिए कभी अच्छी लड़ाई नहीं होती जब हारते हैं। जब हम हार जाते हैं तो बुरी लड़ाई होती है, लेकिन जब जीतते हैं तो कहते कि आज का खेल देखा, वो अद्भुत गेम था क्योंकि हम इसमें जीते। तो मैं समझ सकता हूं कि अच्छी लड़ाई क्या है। अच्छी लड़ाई वो है जिसमें आप जीतते हैं। यानी ये वचन मुझे बताता है कि ये लड़ाई जिसके बारे में बाइबल बता रही है वो विश्वास की लड़ाई है। इसका संबंध मेरे विश्वास से, जो मैं विश्वास करता हूं और मैं लड़ता हुआ अपनी जगह पर खड़े रहता हूं विश्वास में, उन सब विरोधी सबूतों के बावजूद भी मैं लड़ते हुए वहां खड़ा हूं। और यदि मैं ऐसे करता हूं, ये कहता है कि यह अच्छी कुश्ती है, तो पहले ही भविष्यवाणी की गई कि जवाब क्या होगा, इसका अंत क्या होगा। यह अच्छी कुश्ती है क्योंकि मैं इसमें जीतूंगा, इसलिए मैंने कहा हम 2020 मैच नहीं खेल रहे हैं और ना ही हम 50 ओवर का मैच खेल रहे हैं और ना ही 5 दिन का टेस्ट मैच खेल रहे हैं। नहीं,
मैं हमेशा कहता हूं कि यह कभी खत्म नहीं होगा जब तक मैं नहीं जीतता। किसी ने कहा यह सही नहीं है भाई, आपको लगता है कि आपकी जीतने तक हम राह देखे, बहुत बुरा है। मैं जब तक जीतने जाऊं खेलते रहूंगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब तक मैं जीतने जाऊं यह खत्म नहीं होगा, यदि मैं नहीं जीतूं तो खेलते रहूंगा। यह इसी तरह से है, क्योंकि बाइबल कहती है कि आप और मैं जयवंत हैं, इसलिए यह अच्छी कुश्ती है। विश्वास की कुश्ती वो हमेशा अच्छी कुश्ती है, क्योंकि ये लड़ाई है जिसमें आप सही तरह से खेले तो आप जीतेंगे ही। आपके पास जीतने का हर मौका है, आपके पास जीतने के सारे मौके हैं। कृपा आपकी ओर से है, आप इसे जीतेंगे, इसलिए इसे विश्वास की कुश्ती कहा गया है। विश्वास की कुश्ती किस बारे में है? विश्वास की कुश्ती आपके विश्वास के बारे में है। विश्वास से हमारा क्या अर्थ है? विश्वास क्या है? हमने अभी पढ़ा है, विश्वास तो निश्चित या शाश्वती है, उन चीजों की जिसकी आशा करते हैं। ये सबूत है, टाइटल डीड है, उन चीजों की जो नहीं देखते हैं। ठीक है, विश्वास यही है, यानी मैं किसी चीज की आशा करता हूं, मैंने ये भरोसा मेरे अंदर रखा है परमेश्वर के वचन को देखने के द्वारा। मेरे दिल में ये शाश्वती है कि ये मेरा है, कि ये मेरा है, और मैं इसकी आशा करता हूं कि मेरे पास होगा। हालांकि मैं इसे नहीं देखता हूं, मैं इस पर विश्वास करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास इसके लिए डॉक्यूमेंट है जो परमेश्वर ने घोषित किया, वो मेरा है। परमेश्वर कहता है कि ये मेरा है, इसलिए मेरा है, इसलिए मैं इस पर खड़े रहता हूं। लेकिन विश्वास की कुश्ती में समस्या यही है, जब मैं इस तरह खड़े रहता हूं तो ये आसान नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ इसके विपरीत होता है। सारी परिस्थिति उसके विरुद्ध तरीके से होती है। जैसे मैंने यूसुफ की कहानी बताई, उसने दर्शन देखा कि सब उसके सामने झुक रहे हैं, लेकिन सब ऐसा हो रहा था कि उसको सबके सामने झुकना पड़ रहा था। वो गुलाम बना, वो एक कैदी बना, कोई बात नहीं दिख रही थी कि सब आकर उसके सामने झुकेंगे। ऐसे नहीं दिखता था कि इस तरह से होगा, सब कुछ उसका उल्टा ही हो रहा था। लेकिन अंत में क्या हुआ, जैसे आपने देखा, देखिए बात तो यह है, जब आप विश्वास की लड़ाई लड़ते हैं, किसी चीज के लिए विश्वास करते हैं, किसी चीज पर खड़े होते हैं, आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हैं। जब आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करते, कई बार चीजें बुरी दिखाई देती, वो और बुरी दिखती है। यह ऐसे दिखता है कि ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, कि आपका सपना बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, या आपकी ओर से नहीं आ रहा है, सब कुछ बुरे और बदतर हो रहा है। ऐसा ये सब कुछ क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई किसके बारे में है? आप विश्वास के व्यक्ति हैं, आप विश्वास से खड़े हैं, और शैतान परिस्थितियों का उपयोग करता है जो इस संसार में है, परिस्थितियां जो हो रही है, शायद वो इससे लाए या ना लाए, शायद वो उसके पीछे हो या ना हो, लेकिन वो निश्चय उसके पीछे होता है, क्योंकि जब वो होती है तो वो उसके पीछे होता है कि आपको निराश करे। यानी आप सच में वहां खड़े हैं और लड़ रहे हैं, आप विश्वास कर रहे हैं, किसी चीज के लिए विश्वास कर रहे हैं, और शैतान विपरीत परिस्थिति का उपयोग कर रहा है कि आपको निराश कर दे। ये तो लड़ाई चल रही है, कौन जीतेगा? यदि आप वचन पर खड़े हैं तो आप जीतेंगे। आपको बस प्रभु वचन पर खड़े रहना है। जैसे मैंने उस दिन कहा, अब्राहम ने विश्वास किया कि परमेश्वर जिसने प्रतिज्ञा की है वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के योग्य है। तो बात तो यह है कि मुझे केवल खड़े रहना है, मुझे केवल विश्वास करना है, मुझे केवल विश्वास रखना है, मुझे केवल अंगीकार करना है मेरे मुंह से जो मैं विश्वास करता हूं। करने वाला तो परमेश्वर है, मैं इसे नहीं करूंगा। यदि मुझे करना है तो बहुत तनाव होगा, क्या मैं इसे कर सकूंगा, यानी ये सवाल होगा। मैं करने वाला नहीं हूं, मैं इसे नहीं करूंगा, मैं विश्वासी हूं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला वो है। मैंने प्रतिज्ञा नहीं की, प्रभु जो झूठ नहीं बोलता उसने प्रतिज्ञा की है। वो सर्वसामर्थी परमेश्वर, उसके लिए कुछ असंभव नहीं है, उसने प्रतिज्ञा की है, वो इसे पूरा करेगा। काम करना उसका काम है, विश्वास करना मेरा काम है। सब लोग कहे मैं विश्वासी हूं, यानी परमेश्वर ने मुझे आसान काम दिया है, और मुश्किल काम उसने दिया है क्योंकि वो उसके लिए आसान है। उसने कहा तुम विश्वास करो, मैं इसे करूंगा। तुम बस वचन पर खड़े रहना, मैं उसे पूरा करूंगा। तुम बस वचन का अंगीकार करना, मैं करूंगा। तुम परिस्थिति को नहीं देखना, मैं पूरी करूंगा। मैंने जो कहा उसे मैं पूरा करूंगा।
यानी ये लड़ाई है, विश्वास की कुश्ती है। आप हमेशा इसे विश्वास के जीवन में देखेंगे। आप किसी चीज के लिए विश्वास करते हैं, लेकिन असलियत में सब बुरे से बदतर होता है। जो विश्वास किया बिल्कुल उसके उल्टा ही होती जा रहा है। कई बार ये बहुत निराश करने वाला है। अब जब ये होता है, आपको कुछ समझना होगा कि शैतान काम कर रहा है कि आपको निराश करे उसका उपयोग करते हुए। Friend, oh such a friend, and he made my heart his own. God himself is with me, and I know I'm never alone. Know all my tomorrows will be better than all my hopes. We've got love, grace, peace and power and joy in the Holy Ghost. We've got love, my God is never wrong, and he may stand for me. It blew apart my chains and set the sinner free. It's like a river and you'll never run it dry. We got power over fear and death, hearts filled up with joy. The Holy Spirit fills me up and I need him every day. Fire, faith and confidence and knowing what to say. I gave my heart and all I am to the one who loves me most. We got love, grace, peace and power and joy in the Holy Ghost. We got love, my God is never wrong, he may stand for me. We got grace, it blew apart my chains and set the sinner free. It's like a river and you'll never run it dry. We got power over fear and death, the hearts filled up with joy. The Holy Spirit fills me up and I need him every day. Fire, faith and confidence in knowing what to say. I gave my heart and all I am to the one who loves me most. We got love, grace, peace and power and joy in the Holy Ghost. We got love, my God is never wrong, he may stand for me. We got grace, it blew apart my chains and set the sinner free. It's like a river and you never run it dry. We got power over fear and death and hearts filled up with joy. Oh, we got love, my God is never wrong, he may stand for me. It blew apart my chains and set the sinner free. We got, it's like a river.